Welcome to Quantum Studies Circle Electromagnetic Field Theory Tutorial Series. आज डिस्कस करेंगे हम दोस्तों कूलम्स लॉ. ओके, कूलम्स लॉ. एक हम चार्ज ले लेते हैं और चार्ज टू ले लेते हैं क्यू टू. कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे. दोनों के बीच हम डिस्टेंस ले लेते हैं आर. आर डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच में. तो फोर्स क्या होगा दोनों चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग? फोर्स विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो फोर्स होगा इनके बीच में. फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये, याद रखना इस बात को. और के इसमें क्या है, कांस्टेंट है. के कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है फोर पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट अगर हम वैक्यूम की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट रहेंगे. डिपेंडेंट अपॉन मटेरियल ना, एप्सिलॉन की वैल्यू मटेरियल पर डिपेंड करती है. पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आया तो हम यहाँ वैक्यूम की बात कर रहे हैं. इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू आएंगी 8.10^-12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है. इसको एप्सिलॉन को बोलते हैं हम परमिटिविटी. एप्सिलॉन नॉट हुआ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का एफ. एक्चुअली फोर्स वेक्टर है तो हमें डायरेक्शन को भी काउंट में लेना होगा. तो अगर हम फोर्स हमने डायरेक्शन को काउंट में लेके निकालना है तो क्या आएगी फोर्स की वैल्यू? 1/4πε0 q1 q2 डिवाइडेड बाय r12. फोर्स ऑन q2 निकाल रहे हैं हमें. फोर्स ऑन q2, फोर्स ऑन चार्ज q2 पे क्या आएगा वो निकाल रहे हैं हम. फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू q1 r12 स्क्वायर और r12. ये क्या है? यूनिट वेक्टर r12. इसमें क्या है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ q2. यूनिट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q2. ओके, पहले हमने जो एक्सप्रेशन दिया था वो मैग्नीट्यूड का था. अभी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हम अकाउंट में लेंगे क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर. तो जनरल एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये आएगा. और वैसे ही फोर्स ऑन क्यू वन क्या आएगा? देखो फोर्स तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, यही कहता है गुणों. तो फोर्स ऑन क्यू वन क्या होगा? आर टू वन. यूनिट वेक्टर फ्रॉम टू टू वन लेंगे हम. आर टू वन, इट इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम टू टू वन. ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगी. फोर्स ऑन क्यू टू, फोर्स ऑन क्यू वन डायरेक्शन अपोजिट होंगी. ओके, इक्वल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड. ठीक है ना, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड होगा. ये कहता है कूलम्स लॉ. ओके, ये बात समझ आई. अब हम मल्टीपल चार्जेस का सिनेरियो डिस्कस करते हैं. अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? मल्टीपल चार्जेस. ओके, अभी तो दो चार्जेस का डिस्कस किया है ना. हम मल्टीपल चार्जेस देख लेते हैं. ये नहीं लेते हम Q1, ये ले लेते हैं हम Q2, ये नहीं लेते हम Q3 और ये Q4. अब हम Q4 पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू दीज थ्री चार्जेस, ये कैलकुलेट कर लेते हैं. Q1, Q2,
Q2, Q3 के कारण Q4 पे कितना फोर्स लगेगा, ये कैलकुलेट करेंगे। ओके, टोटल फोर्स ऑन Q4 Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा उसको हम लिख देते हैं F1 due to Q1, और Q2 के कारण लग रहा है फोर्स F2। ये देखो ये डायरेक्शन भी आ रही है, डायरेक्शन क्या होगी, इसी तरह की डायरेक्शन होगी F2 और जो Q3 के कारण लग रहा है उसको बोलेंगे हम F3। अब टोटल फोर्स कितना होगा, इट विल बी समेशन ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, जो टोटल फोर्स होगा वो तीनों फोर्स का समेशन होगा, बिकॉज कूलम्स लॉ फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। विल बी टोटल फोर्स ऑन Q4 विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3, इट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑन दीज थ्री फोर्सेस। ठीक है, वेक्टर सम होगा, वेक्टर दे, इसलिए मैं इसमें डायरेक्शन में शो कर देता हूँ, फोर्सेस का वेक्टर, टोटल एफ टोटल पे भी वेक्टर शो कर लेते हैं, बिकॉज फोर्सेस का वेक्टर। सो टोटल फोर्स होगा समेशन ऑफ दीज फोर्सेस, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कूलम्स लॉ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते कैसा होगा, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेशन दे सकते हैं हम फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मैथमेटिकली एफ टोटल इज इक्वल टू ड्यू टू एन चार्जेस, अगर हम एन नंबर ऑफ चार्जेस लेंगे एफ टोटल कितना होगा, इट विल बी 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, I is equal to 1 to n, qi unit vector ri upon ri square। इस चीज को साथ साथ नोट भी करते रहो, जो भी चीज मैं बनूंगा साथ साथ आपने नोट भी करनी है, वरना नींद आती है अगर आप अकेले सुनते ही रहेंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना ड्यू टू एन चार्जेस, फोर्स इन ड्यू टू एन नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, जनरल एक्सप्रेशन है ये। ओके, ये बात समझ आई, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करते हैं तो सम कर देंगे हम, सिंपल सिंपल बात। अब हम कंपैरिजन करते हैं इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ओके, हम इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के केस में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। एफजी है ग्रेविटेशनल फोर्स इन इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटेशनल फोर्स एफजी होगा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा,
जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके इसकी वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की 9.1 × 10⁻³⁻³ kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। और एफ पी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, कूलम्स फोर्स, कूलम्स फोर्स भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, 1/4 ε₀ ई स्क्वायर इंटू डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ई की वैल्यू कितने है, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है अब दोनों का रेशियो कितना आएगा वो स्टडी करते हैं, कैपिटल ई लिख देते हैं इसको, एफ ई को कैपिटल ई लिख देते हैं, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी इज इक्वल टू जी एम ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर अपॉन 1/4 ε₀ ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इसकी वैल्यू अगर ये सब वैल्यूज पुट करेंगे हम, आप खुद पुट करके देख सकते हो, जी की वैल्यू क्या है इसमें 6.7 × 10⁻¹⁹ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी थी, यूनिट इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है तो ये सब वैल्यू पुट करेंगे हम और कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 10³⁴, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10³ टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। अब ये प्रोटॉन के केस में भी कैलकुलेट करते हैं, आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन के केस में कैलकुलेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के केस में चलो 10³ है, प्रोटॉन के केस में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये से शो क्या हो रहा है 10³ क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज बिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज फिनमैन लेक्चर्स के वॉल्यूम 2 में बताई गई है, उन्होंने फिनमैन साहब ने बोला है कि इट इज बिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रोटोन का केस में कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोटोन का मास इज लार्जेस्ट, प्रोटोन का मास थोड़ा ज्यादा होता है तो प्रोटोन के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स शायद थोड़ा ज्यादा आ जाता है, कैलकुलेट कर लेते हैं कितना की ज्यादा आता है, 4 प्रोटोन मास इज 2000 times मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन का मास लगभग 2000 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अच्छा तो फोर्स कितना होगा, एफ पी शो कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय एफ जी 10³⁴³ डिवाइडेड बाय 10⁶ आ जाएगा लगभग, 10⁶ इसलिए लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली क्योंकि मास का स्क्वायर होगा ना, 2000 का स्क्वायर लेंगे हम लगभग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर वैसे मास का स्क्वायर आएगा लगभग 10⁻⁶ अप्रोक्सीमेटली 6 ले सकते हैं तो 10⁻⁷ आया। तो प्रोटोन के केस में कोई खासा फर्क नहीं है, स्टिल इट इज स्ट्रॉन्गर, स्टिल इट इज लार्जेस्ट प्रोटोन के केस में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन फिर भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही वीक है तो व्हाई वी आर नॉट फ्लोटिंग लाइक चार्ज पार्टिकल्स, हम जितने भी यहाँ बॉडीज है यूनिवर्स में वो चार्ज पार्टिकल की तरह फ्लोट क्यों नहीं हो रही, व्हाई वी आर बाइंडेड टुगेदर इसका कारण क्या है, कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी मच लार्जर रेंज होती है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके क्यों होती है मच लार्जर, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी होता है, दो सेम इलेक्ट्रॉन लेंगे तो अट्रैक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेंगे तो बीच में रिपल्सिव होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव है नेचर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स बोथ एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होगा, रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी स्मॉलर, ये बहुत कम डिस्टेंस तक ही एक्ट करेगा। अब इस चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों है। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज मच लार्जर होगी, मच लार्जर रेंज, दैट इज व्हाई ऑल द बॉडीज आर बाइंडेड टुगेदर। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ने बाइंड कर रखी है। इस चीज को स्टडी कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेस ले लेते हैं, उसमें मान लेते हैं बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, इसको मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल गैस, गैस ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जब चार्ज पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, तो अब जब इनका कैलकुलेट करेंगे हम किसी भी पॉइंट पे फोर्स, टोटल फोर्स, वो कितना आता है, ई रेज टू पावर आर अपॉन लैम्डा। मतलब अभी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, ये ऐसे दिखे होंगे, दो चार्ज के बीच में ले रहे तब तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा था, लेकिन मल्टीपल चार्जेस ले लिए हमने, बहुत सारे चार्जेस ले लिए और किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। और इसमें लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, इसकी वैल्यू यूजुअली स्मॉल होती है, यूजुअली इट इज स्मॉलर, ओके। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो करेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स में होंगे, अट्रैक्टिव इन नेचर है, सब अट्रैक्टिव करेंगे, कोई रिपेल नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली आर बाय लैम्डा स्क्वायर से शो कर सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना, आर बाय लैम्डा स्क्वायर से शो कर सकते हैं, ये इस तरह से वेरी करेगा। जबकि फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई बाय आर ई रेज़ टू आर माइनस आर अपॉन लैम्डा, इस तरह से वेरी करेंगे। अब हम देखते हैं कि कितने डिस्टेंस पे जाके इसका रेशियो इक्वल आता है, कितने डिस्टेंस पे जाके हमने ये कैलकुलेट करना है, कितने डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है इक्वल हो जाता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट करना, वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कुछ इस तरह। अब मैं इसके डेरिवेशन पे जाऊंगा कि क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर बाय लैम्डा, जस्ट दिस इज बियॉन्ड अवर स्कोप ऑफ डिस्कशन, एज इट फैक्ट ले लो कि ये इस तरह से वेरी करता है। तो हम ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 10^37 क्यों लिया है, ये तो हमने डिस्कस करनी है कि प्रोटॉन का केस ले लेते, 10^37 होगा, मतलब शुरू में अगर डिस्टेंस हम बिल्कुल जीरो ले लें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10^37 टाइम्स लार्जर होगा कंपेरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और ये इसकी वैल्यू वन कितने किस पॉइंट पे होगी, वन, इसकी वैल्यू वन, मतलब इन दोनों का रेशियो, ये रेशियो शो कर रहा है, रेशियो वन किस पॉइंट पे होगा, लगभग आर बाय लैम्डा की वैल्यू जब 80-90 होगी तब ये रेशियो वन हो जाता है। मतलब इस जब आर बाय लैम्डा की वैल्यू 80-90 होती है तो ग्रेविटेशन फोर्स ओवरकम कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। लैम्डा की वैल्यू यूजली माइक्रोमीटर में ही होती है फॉर मोस्ट मटेरियल, मेटल के केस में एंगस्ट्रॉम में होती है, जो थोड़े से कंडक्टर नहीं होंगे उनकी वैल्यू ज़्यादा माइक्रोमीटर तक ही पहुंच पाती है, तो यूजुअली इट इज़ लेस देन माइक्रोमीटर फॉर सभी मोस्ट मटेरियल के लिए माइक्रोमीटर से कम ही होगी, ठीक है, ओके। तो आर बाय लैम्डा अप्रोक्सी टू अप्रोक्सीमेटली 80-90, मतलब 100 की अप्रोक्सीमेटली 100 मान सकते हैं। तो आर की वैल्यू आई लगभग 10^-4, अगर हम माइक्रोमीटर ले लें 10^-6, यानी कि विद इन दिस डिस्टेंस 10^-4 डिस्टेंस में है, इतने डिस्टेंस में है ओवरकम कर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, विद इन दिस रेंज
ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरकम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मतलब 10^-4 मीटर, 10^-4 मीटर के अंदर अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरकम कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज बहुत स्मॉल है कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम सभी फोर्सेस का एग्जांपल ले लेते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम सारे फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस की डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियर फोर्स डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है इनकी रेंज होती है 10^-15। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन रेंज सबसे कम है इसकी। सभी फोर्सेस इस रेंज के बाहर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स फॉर्म द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही न्यूक्लियस बनता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये बाइंड करता है न्यूक्लियस को। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा वीक फोर्स है। इट इज समवट वीकर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मगर इसकी रेंज न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा है। इसकी रेंज आर्मस्ट्रॉन्ग में होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग रेंज में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैंने पहले बोला था कि उस रेंज 10^-4 में ग्रेविटेशनल फोर्स ओवरकम करता है, पर इस कर देता है, लेकिन इसकी रेंज आर्मस्ट्रॉन्ग रेंज में ही ये पावरफुल होगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। और न्यूक्लियर फोर्स फॉर्म एलिमेंट्स, न्यूक्लियर फोर्स के कारण एलिमेंट्स बनते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर रेंज में ये पावरफुल फोर्स होता है आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही केमिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारे केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होते हैं। इट एक्ट्स इन मॉलिक्यूलर रेंज। अब ले लेते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा और वीक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन इसकी रेंज मच लार्जर। मैग्नेटिक फोर्स जो है हैज वेरी लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज रेंज इसकी, वेरी लार्ज डिस्टेंस में एक्ट करता है। दैट इज व्हाई वी हैव गैलेक्टिक मैग्नेटिक, तभी हम बोलते नहीं गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि गैलेक्सी वाले के रेंज में भी ये एक्ट करता है। हमें अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आयनोस्फीयर तक जाती है। वी हैव अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसका वीकर फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज मच लार्जर है। पर ये वीक फोर्स है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से थोड़ा वीक फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। और सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन सबसे ज्यादा रेंज है इसकी, लार्जेस्ट डिस्टेंस, इट कवर्स लार्जेस्ट डिस्टेंस। ये इट इज टूवर्ड्स द एंड ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जिम्मेदार है। ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड्स ऑन द प्लैनेट टुगेदर, ऑन द स्टार टुगेदर, गैलेक्सी टुगेदर। इट्स रेंज इज इनफाइनाइट, फॉर्म्स द यूनिवर्स। ओके, तो हम न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीकेस्ट फोर्स। बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, उसकी सबसे कम रेंज है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन रेंज इसकी सबसे कम है। ओके, और जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी रेंज सबसे ज्यादा है। दिस इज द सिमेट्री ऑफ नेचर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स सबसे कम रेंज है, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकर फोर्स है, उसकी रेंज सबसे ज्यादा है। सो वन शुड अप्रिशिएट द ब्यूटी नेचर, हाउ ब्यूटिफुली दिस फोर्स, दिस नेचर इज डिजाइंड। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीकेस्ट फोर्स।
और वीकेस्ट फोर्स डोमिनेट सबसे ज्यादा कर रहा है, वीकेस्ट फोर्स डोमिनेट्स द इनवर्स, इट्स डोमिनेट्स ऑन लार्जेस्ट स्केल, वीकेस्ट फोर्स डोमिनेट्स ऑन लार्जेस्ट स्केल, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये है जिसके कारण पूरा इनवर्स बाइंड है, बिकॉज इट्स इज डोमिनेटिंग ऑन वेरी लार्ज स्केल। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बड़े कम स्मॉल रेंज में, स्मॉलेस्ट रेंज। ओके, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब हमारा जो कोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कंबाइंडली हम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो सब्जेक्ट है, पुराने टाइम में ऐसा समझते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है, लेकिन आज हम ये पता चल चुका है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर जस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम सम सेम थिंग, दोनों ही चार्ज के कारण प्रोड्यूस होती है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ठीक है। हमारी डिस्कशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे रहेंगी, हमने बाकी फोर्सेस तो जस्ट एग्जांपल के लिए डिस्कस कर दिए। हमारे आने वाले टाइम में हम सब डिस्कस करेंगे कि हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे ये सब आपस में रिलेटेड है, एक्चुअली यूनिफाइड है ये फोर्सेस सारे। एक्चुअली यूनिफिकेशन तो न्यूक्लियर फोर्स की भी हो चुकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम है अब्दुल सलाम, की न्यूक्लियर फोर्स है सम यूनिफिकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पर वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दे आर जस्ट सेम थिंग, दे हैव सेम ओरिजिन, एंड वी कैन हैव सेम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी फॉर डिफाइनिंग ऑल दीज फील्ड्स। हम चार्ज का एग्जाम्पल लेते हैं। अब चार्ज की डिफरेंट स्टेट होंगे तो कैसे कैसे डिफरेंट फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये स्टडी करेंगे। अब चार्ज ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब जब एक कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, रेस्ट पे होता है, वो कौन से फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये चार्ज है, इसके चार तरफ अगर ये रेस्ट में होगा कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं इसको। अब वही चार्ज अगर मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इस बात पे फोकस करना, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। वी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड। जब रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, जब कांस्टेंट वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। एक सर्किट देख लेते हैं, एक सोलेनोइड लेते हैं, अगर हम सोलेनोइड को डीसी करंट का क्या मतलब होता है कि करंट कांस्टेंट है, जब हम सोलेनोइड को डीसी करंट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है। हम कांस्टेंट करंट देंगे किसी भी सोलेनोइड को, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो कोई भी चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो आई क्या शो कर रहा है इसमें, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई भी चार्ज। आई का मतलब है आई इसमें डीसी करंट है, कांस्टेंट करंट है, तो ये शो कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, इट इज एक्सेलरेटिंग, तब वो चार्ज पार्टिकल कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, हम
सर्किट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एंटीना को दे रहे हैं, एंटीना को हम अल्टरनेटिव करंट दे रहे हैं। देखो ये एंटीना है, ये एंटीना बना लेते हैं हम, ये एंटीना, एंटीना को शो करते हैं। अब हम इसको अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो ये एंटीना रेडिएशन, और ये एसी क्या होना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी का अगर अल्टरनेटिंग करंट देंगे हम एंटीना को, तो ये रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हाई फ्रीक्वेंसी का क्यों होगा ये हम अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी पे ही रेडिएट करेंगे। पर हम कुल मिला के हमें क्या पता चल रहा है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था तो क्या प्रोड्यूस की उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब चार्ज पार्टिकल की कॉन्स्टेंट रेस्ट में क्या प्रोड्यूस की, मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा था तो क्या प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी चीजें चार्ज के कारण ही प्रोड्यूस हो रही है, बट डिफरेंट स्टेट, चार्ज की डिफरेंट स्टेट्स है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन नोट कर लेते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन निकला डिफरेंट स्टेट्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस डिफरेंट फील्ड्स। ओके, तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सब रिलेटेड है आपस में। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज इन डिफरेंट स्टेट्स। आने वाले टाइम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यूनिफाइड थ्योरी है इन सभी चीज़ को एक्सप्लेन करने की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।